हाय एवरीवन, सचिन जागदा दिस साइड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूक्रेन वाले इंडियन स्टूडेंट्स के फ्यूचर के पॉसिबिलिटीज के बारे में। एग्जैक्ट करंट सिनेरियो क्या चल रहा है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, एंड मेनली चार चीजों के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा आज की वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यूक्रेन में हमारी एमबीबीएस को लेके अभी भी कुछ होप्स हैं, अभी भी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं या फिर नहीं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एनएमसी के उस वायरल पीडीएफ के बारे में जो पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मोबिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में, एंड फाइनली हम लोग बात करेंगे ट्रांसफर्स के बारे में। तो इस वीडियो के थ्रू आई ट्राई माय बेस्ट कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दे सकूं, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर सकूं। तो इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज की डेट तक की सारी अपडेट्स इस वीडियो में यूक्रेन स्टूडेंट्स के फ्यूचर से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। तो वीडियो रहेगी एकदम इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी ऑथेंटिक। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, एंड हमारे सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक हफ्ता पीछे लेके चलता हूँ। तो 14 जुलाई को विनिट्सिया में अटैक हुआ, मिसाइल से अटैक किया गया, एंड 25 से ज्यादा लोग उस अटैक में मारे गए जिसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। तो सबसे पहले तो भगवान उन लोगों की आत्मा को शांति दे जो भी इस हमले का शिकार हुए, एंड इट वॉज सो डिसहार्टेंड, सो शॉकिंग टू हेयर दैट न्यूज, क्योंकि विनिट्सा में हम लोग 4 साल रहे हैं, वहां पे इतना टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया है। तो जब ये खबर हम लोगों को सुनने में आई कि वहां पे अटैक हुआ है और वहां पे लोग मारे गए हैं, तो इट वॉज रियली रियली शॉकिंग। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड हम लोग बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट के बारे में कि क्या यूक्रेन में अभी भी वापस जाना पॉसिबल है, अभी भी पढ़ाई हम लोग कंटिन्यू अपनी कर सकते हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज है या फिर नहीं। तो देखो यार, मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंसान हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड पिछली 3-4 वीडियोज में जहाँ पे हम लोगों ने यूक्रेन के अपडेट्स के बारे में बात करी, उसमें मैं आपको हर वीडियो में यही बोल रहा था कि यार देखो थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सा वेट करो, एंड सब कुछ सही होगा। बीच में टाइम ऐसा भी आया कि जब अटैक बहुत ज्यादा कम हो गए थे, स्पेशली विनिट्सा जैसे इलाकों में जो बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर हैं, तो मैं आपको बोल रहा था कि हम लोग वापस जाएंगे एंड पॉसिबिलिटीज हैं वहां पे अपनी एमबीबीएस को कंटिन्यू करने की। लेकिन जब से ये खबर सुनी है, आई एम नॉट श्योर कि कोई भी पेरेंट्स अलाउ करेगा अपने बच्चे को वापस यूक्रेन में भेजने का। एंड इवन मैं अपनी ओपिनियन दूंगा, आई विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई घुमा फिरा के बात करने का मेरा कोई इरादा नहीं है इस वीडियो में। तो मैं आपको मेरी ओपिनियन बता रहा हूँ कि मैं नहीं सोच रहा अभी यूक्रेन जाने का। यूक्रेन का जो पॉसिबिलिटी थी, जो थोड़ी बहुत बची हुई थी कि विनिट्सा में अटैक नहीं हुआ, एंड कुछ दूसरे भी इलाके थे जो अभी तक थोड़े से सेफ थे, लेकिन अभी इस ब्लास्ट को देखते हुए आई डोंट थिंक सो कि हमारा वहां पे जाना सही होगा, एंड हम लोग अपनी पढ़ाई वहां पे कंटिन्यू कर पाएंगे। एंड इवन आई डोंट वॉन्ट टू गो टू यूक्रेन एंड कंटिन्यू माई स्टडीज, ऑल्दो माई सिंपथीज आर विद यूक्रेन, बट अपने फ्यूचर को लेके जब जान ही नहीं बचेगी तो हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे यार, हमारी लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर जो है वायरल एनएमसी पीडीएफ। अब 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि 50-60 बच्चों ने एकदम मेरे को इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हर जगह एक पीडीएफ भेजा, वो था शायद एनएमसी वर्सेज पूजा ठंडू कुछ ऐसा करके पीडीएफ था। एंड उस पीडीएफ में मतलब एक तो ये चीज लिखी गई थी कि इंडिया में हमें एकोमोडेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, एंड उसके अलावा कुछ हमें ऑप्शंस दिए गए थे, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, शायद यही 2-3 ऑप्शंस थे कि जहां पे हम लोग शायद अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ है जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। देखो मैं आपको पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि यार अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आज का टाइम ऐसा है कि इंसान अगर कोई मरा हुआ है ना तो वहां से भी अपना फायदा ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर मैं भी यूक्रेन अपडेट के एक वीडियो डाल देता हूँ ना, अभी तो 1000 लोग टूट के पड़ेंगे उस वीडियो के ऊपर, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर रोज वीडियो डालूंगा एंड अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लूंगा। सारी चीजें अटेंशन पाने के लिए करते हैं लोग, तो एटलीस्ट इस टाइम को हम लोग यूज ना करें, जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। क्योंकि मैंने देखा कि वो पीडीएफ शेयर हुआ, उससे पहले तो लोगों ने वीडियो भर दी वहां, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप लोग कंफर्म करो अगर आपके पास पीडीएफ आ रहा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको वीडियो देखने से नहीं रोक सकता लेकिन आपको ये जरूर बोलूंगा कि अगर आपके पास कोई पीडीएफ आता है तो प्लीज उसको कंफर्म किया करो कि वो जेन्युइन है या नहीं है, वो ऑथेंटिक है या नहीं है, या फिर किसी ने ऐसे ही फैला रखा है, क्योंकि आज का टाइम बहुत सीरियस है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है हम लोगों के फ्यूचर को लेके। तो आई डोंट वॉन्ट कि ऐसी कोई रूमर, ऐसा कोई गलत पीडीएफ, कोई गलत इन्फॉर्मेशन सब स्टूडेंट्स के पास फैले। तो जैसे ही मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन आई, मेरी एक आदत है कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट आता है या मैं कुछ भी कमेंट करता हूँ कहीं भी, तो मैं सबसे पहले एनएमसी की वेबसाइट जरूर चेक करता हूँ, अगर वहां पे मेरे को मिलता है तो सही है, अगर नहीं मिलता है तो मैं उस इन्फॉर्मेशन को कभी भी नहीं शेयर करता किसी के साथ भी। तो सेम मैंने ऐसा किया, एंड एनएमसी की वेबसाइट पे अगर आप अभी भी देखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा एफएमजीज के रिगार्डिंग, ठीक है। तो
मेक श्योर कि आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो पहले उसको चेक करो एनएमसी की वेबसाइट पे। यार आप एक चीज सोचो कि एनएमसी जब कोई गजट डालता है, कोई ड्राफ्ट डालता है, तो वो हमेशा अपनी वेबसाइट पे डालेगा सबसे पहले। वो वेबसाइट उन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए, कोई शो पीस नहीं है वो, ठीक है, वो काम की चीज है जहां पे लोगों को आसानी से इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो सकती है, इसलिए वो वेबसाइट बनाई गई है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करो एंड उसके बाद ही आगे आप लोग शेयर करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो फेक है, किसी ने फेक बना रखा है, बट आई थिंक वो कुछ और ही डॉक्यूमेंट है जो हम लोगों के साथ शेयर कर दिया गया। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो है मोबिलिटी प्रोग्राम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोबिलिटी प्रोग्राम होता क्या है। अब जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, तो ये यूनिवर्सिटीज यूक्रेन है जैसे, तो वॉर जोन बन गया है, तो वहां पे ऐसे हालात नहीं है कि हम लोग जाएं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। तो यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं कि जो अपने कैंपस हैं वो नेबरिंग कंट्रीज में या जिनके टाई अप्स होते हैं उनके साथ, वहां पे अपने कैंपस को शिफ्ट कर देती हैं एंड वहां से अपनी एकेडमिक्स बच्चों को बोलती हैं कंटिन्यू करने के लिए। तो हम लोग वहां जाएंगे एंड उन नेबरिंग कंट्रीज में जाएंगे एंड वहां जाके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। नाम रहेगा हमारी पुरानी यूनिवर्सिटी का ही, बस जगह अलग हो जाएगी, कैंपस अलग हो जाएगा एंड दैट्स इट। तो ये मोबिलिटी प्रोग्राम होता है। अब इसके बारे में बात यह है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिन लोगों ने बच्चों को ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उन लोगों ने बोला है कि हम लोग पोलैंड में अपना कैंपस शिफ्ट कर रहे हैं, दैट इज मोबिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद टर्नोबिल ने भी बोला है कि वो भी दो तीन जगह अपने कैंपस को शिफ्ट करने वाले हैं, वहां पे आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। एक दो यूनिवर्सिटीज और भी हैं जिन लोगों ने बोला है, जिन बच्चों को ये टेंशन हो रही है कि यार देखो हमारी यूनिवर्सिटी का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी यूनिवर्सिटी विनेत्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहां से भी अभी तक मोबिलिटी प्रोग्राम के रिगार्डिंग कोई नोटिस नहीं आया है। लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, यूनिवर्सिटीज ऐसा नहीं होगा कि सारी यूनिवर्सिटीज एक साथ आपको ऑप्शंस अवेलेबल करा देंगी, यूनिवर्सिटीज सब कर रही है धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो है ट्रांसफर की। यूनिवर्सिटीज ट्रांसफर का ऑप्शन दे रही हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को। अब ट्रांसफर के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले तो आपको चाहिए ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट के लिए आपका सारा डेप्थ क्लियर होना चाहिए, आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स के आई गेस हो चुके हैं। सितंबर से हमारा नेक्स्ट सेशन शुरू होता है, तो ट्रांसक्रिप्ट कुछ यूनिवर्सिटीज दे रही हैं बच्चों को। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि उन्होंने बोला है कि वो लोग अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसक्रिप्ट अलाउ करेंगे, बट आई थिंक इतने सारे बच्चों को प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल कि एक साथ वो लोग ट्रांसक्रिप्ट दें। तो वो लोग क्या करेंगे, जो ऑफिशियल लोग हैं यूनिवर्सिटी के, जैसे कॉन्ट्रैक्टर हैं, एजेंट्स हैं, उन लोगों को वो लोग ट्रांसक्रिप्ट दे देंगे एंड उसके बाद वो लोग हम लोगों को ट्रांसक्रिप्ट दे देंगे एंड देन हमारे लिए कुछ ऑप्शंस आएंगे कि आप इन इन जगह अपना ट्रांसफर ले सकते हो। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपको पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं कि 18th नवंबर 2021 को जो गजट आया था एनएमसी का, उसके अकॉर्डिंग उससे पहले के जो बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया था 18 नवंबर 2021 से पहले, उन लोगों के लिए ट्रांसफर बहुत आसानी से अवेलेबल है। मतलब अगर मैं चाहूं तो आज ही ट्रांसफर ले सकता हूं, मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों के लिए अगर आपने 18 नवंबर के बाद एडमिशन लिया है तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू गाइज टू टेक अ ट्रांसफर, राइट। तो यू बेटर बी पेशेंट एंड वेट फॉर एनएमसी डिसीजन। आई नो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है एंड एनएमसी को थोड़ा जल्दी एक्ट करना चाहिए। आई थिंक इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, वेरी सीरियस मैटर, बट हमारे पास फिलहाल वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, यूनिवर्सिटी आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन देगी तो वो आपके ग्रुप में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जरूर आएगा। दूसरी चीज, कुछ भी नोटिस सभी एफएमजीज के लिए आएगा, यूक्रेन वालों के लिए, चाइना वालों के लिए। 20,000 से ज्यादा बच्चे आए हैं, वॉर से अफेक्टेड हुए हैं, तो उन लोगों के लिए अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो भी डेफिनेटली एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हो। मैं आपको बहुत बार ये चीज बोल चुका हूँ, ऑब्वियस है यार टेंशन होना, फ्यूचर स्टेक पे लगा हुआ है हमारा, तो फ्यूचर को लेके टेंशन होना इज क्वाइट ऑब्वियस। ऐसा नहीं है कि मैं बकबक कर रहा हूँ वीडियो में तो मेरे को टेंशन नहीं है, मेरे को भी टेंशन है, बट टेंशन से कुछ नहीं होने वाला, जो होगा वो एनएमसी करेगा एंड जो डिसीजन लेना है वो एनएमसी ही लेगा। तो थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा पेशेंस एंड विल गो थ्रू दिस फेज, दिस शैल टू पास। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन शायद ऑथेंटिक लगी हो, शायद ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो अगर आई हो आपको पसंद तो मेक श्योर इसे लाइक करना एंड शेयर करना उससे भी ज्यादा। आई वॉन्ट यू गाइज टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन सभी स्टूडेंट्स के साथ, जो लोग बहुत ज्यादा पैनिक हैं इस सिचुएशन में, जो बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, उनके पेरेंट्स के पास, जो भी लोग रिलेटेड हैं इस सिचुएशन से, जो भी अफेक्टेड हुए हैं, प्लीज आप लोग उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास पहुंच सके। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप मेरे को अगर कोई क्वेरी है वहां पे टेक्स्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे अपना ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो एंड और भी बहुत कुछ है,
जहां पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड अगेन थैंक यू सो मच, वी आर नाउ अ बिग फैमिली, 15K फैमिली। आई नेवर इमेजिन कि इतने लोग भी जुड़ेंगे इस चैनल से, बट इट्स ऑल योर लव एंड आई थिंक थोड़ा बहुत मेरा काम है जो आपको पसंद आता है, थोड़ी बहुत मेरी वीडियोस जो शायद आप पसंद करते हो, बाकी सब आपका प्यार है। 95% इट्स योर लव एंड 5% इज माई ऑनेस्टी एंड माई हार्ड वर्क, दैट्स इट। सो मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। कोई अपडेट आता है तो आई विल लेट यू नो, डोंट वरी अबाउट दैट। तब तक आप लोग बिना किसी टेंशन के, बिना ज्यादा पैनिक हुए, अपना और अपनी फैमिलीज का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।